दिखाएंगे आपको फिर से एक बार। सिरोही से कुछ खास खबरें बता दें, सिरोही से अब तक की खास खबर आ रही है जहां पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बांग्लादेश सरकार पर जताया गया है आक्रोश, दिखाया गया है गुस्सा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू परिवारों, हिंदू मंदिरों और विभिन्न तरीके के हिंदू प्रजाति के लोगों पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेशी लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बांग्लादेशी सरकार ने अभी तक कोई अंकुश नहीं लगवाया, किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बांग्लादेश के अधिकारियों का बांग्लादेश सरकार के पुतले का दहन कर आक्रोश जताया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पुतला फूंका गया एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रेवदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक रेवदर नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में बजरंग दल विभाग संयोजक नरेंद्र बंजारा के नेतृत्व में संपन्न हुई और बंजारा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पांडाल और एस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना सबके पश्चात भी बांग्ला सरकार आंख बंद करके बैठी है। इन विभत्स कांडों को देखकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाएं।